Hello students, how are you all? I hope that you all are doing well and you are learning very accurately and very sincerely. We have started our 8th lesson in the science subject and lesson number 8 was बॉडी पार्ट्स वो स्टार्ट किया था और हमने हार्ट के बारे में लर्न किया. हार्ट के बारे में लर्न किया. हार्ट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. नो बट क्या हमने लर्न किया अबाउट द ब्रेन. ब्रेन के बारे में हमने लर्न किया था दैट ब्रेन इज अ सॉफ्ट डेलिकेट चेरी लाइक ऑर्गन एंड सो इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल एंड हाउ मेनी पार्ट्स द ब्रेन इज डिवाइडेड. 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम सेरिबेलम एंड मेडुला. और कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है वो भी हमने लर्न किया था. और आज हम जो सेकेंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो हम लर्न करने जा रहे हैं. इट इज अबाउट अवर स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने लास्ट लेसन में सीखा था दैट कहाँ होता है स्पाइनल कॉर्ड. इन द वर्टिब्रल कॉलम. जैसे हमारा ब्रेन है वो स्कल में प्रोटेक्टेड है वैसे ही ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ प्रोटेक्टेड होता है. इनसाइड द and it is a straight
जैसे दिखाई दे रही है। ये हमारी नर्व्स है, ये जो नर्व्स है आपको दिखाई कितनी पतली है, थ्रेड, थ्रेड मतलब की धागा, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। एंड क्या वर्ड यूज किया है, थ्रेड लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि बहुत सारे थॉट्स हैं वो हमें आते हैं, बहुत सारी एक्शन हो रही है।
नेक्स्ट टॉपिक में जो लर्न करना है कि हमने ऑर्गन्स के बारे में लर्न कर लिया कि ब्रेन क्या है, नर्व्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमें ये सीखना है कि ये तीनों ऑर्गन्स है वो मिलके कैसे नर्वस सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो बात है हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे। तो आज जो हमने लर्न किया दैट इज अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है स्पाइनल कॉर्ड। इजी है, क्या करती है, इट लीड्स द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कहां से स्टार्ट होती है, इट बिगिंस एट द मैग्यूला ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटेंड ऑल ओवर द बैक। इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द कॉर्टिकल कॉलम बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड इट हैज 33 वॉल्स। और उसको क्या कहते हैं, इतना ही लिखना है यार, 3 to 4 पॉइंट्स इन दिस शॉर्ट। ठीक है, और फिर हमने नर्व्स के बारे में लर्न किया, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, तो आप अच्छे से ये भी